हरे कृष्णा, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखकर कब खोलना है, व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से या पूजा पाठ करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति भी होती है। साल 2022 में 8 अगस्त सोमवार के दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी विशेषतः संतान सुख प्रदान करने वाली होती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त रविवार की रात को 11:52 से और समाप्त होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:01 पर। इसलिए व्रत 8 अगस्त को ही रखा जाएगा और इस दिन सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी रहेगा। 8 अगस्त सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:01 पर। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:02 से और समाप्त होगी 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:46 पर। द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय या फिर सूर्योदय से पहले कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का शुरुआत का 5 से 6 का समय होता है। व्रत खोलने की तिथि यानी कि व्रत पारण की तिथि रहेगी 9 अगस्त मंगलवार को। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:01 पर। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। 9 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:05 से लेकर 9:15 तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं यानी कि एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे कठिन माना जाता है। व्रत कठिन तो होता है लेकिन इस व्रत को यदि सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ रख लिया जाए, विश्वास के साथ रख लिया जाए, तो श्री हरि की कृपा से जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो जरूर पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, या आप केवल यदि एकादशी के नियमों का ही पालन करना चाहते हैं तो भी आपको चावल का इस दिन पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद ऐसे लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए जो कि अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नानादि से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ दें। फिर एक चौकी पर साफ स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़का जाता है। फिर अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प इस प्रकार से लिया जाता है कि हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, आज मैं सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से जाने अनजाने में किए गए मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मेरी जो भी मनोकामना है उसे आप अवश्य पूर्ण करें। फिर संकल्पित जल को या पुष्प को श्रीहरि के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। एक जरूरी बात कि एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तुलसी दल भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। लेकिन इस बार एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को रविवार का दिन है और रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी दल तोड़े जाते हैं, तो आपको शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने होंगे। तुलसी दल कभी भी एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप शनिवार के दिन भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं, उन्हीं को बार बार जल से धोकर भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान गणेश जी को तिलक करके भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करें, भगवान श्री हरि को पीले फूल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और फिर साथ ही आप धूप दीपक जलाकर
ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करके एक एक पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास शंख है तो आज के दिन शंख की पूजा करनी है, हो सके तो लड्डू गोपाल जी की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें तो आज के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की पूजा भी आज के दिन कर सकते हैं। दूध में मिश्री डालकर या शक्कर डालकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है और माखन मिश्री भी आज के दिन भगवान को भोग में लगाई जाती है। साथ ही तुलसी दल आप जरूर से रखें, बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि या भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान श्री हरि के कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका जाप आपको एकादशी के दिन करना चाहिए। साथ ही एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को ग्यारस माता का ध्यान भी रखना चाहिए। ग्यारस माता भगवान श्री हरि से ही प्रकट हुई थी और जो भी भक्त भगवान श्री हरि को प्रिय होते हैं वही भक्त ग्यारस माता को भी प्रिय होते हैं। ग्यारस माता अपनी संतानों की सभी तरह से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के इन विशेष मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का या सभी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो नारायण या ओम नारायणाय नमः या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमः या फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मे नमः। फिर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में ग्यारस माता की आरती और विष्णु भगवान की आरती के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की आरती करके पूजा संपन्न हो जाती है। सोमवार का दिन है तो इस दिन भगवान श्रीहरि के साथ साथ शिव शंकर भगवान और माँ पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को आज के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में सुबह के समय कच्चा दूध, उसमें शक्कर या मिश्री के दाने डालकर अर्पित करने के बाद 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पितरों की कृपा से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से संतान सुख भी मिलता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से जो संतान प्राप्त होती है वो बहुत ही सुयोग्य और बहुत ही भाग्यशाली होती है। दिन भर उपवास करें और फिर शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। हो सके तो व्रत की कथा पढ़ें सुने, नहीं तो शाम की पूजा में आप केवल मंत्रों का जाप करके केवल आरती कर सकते हैं, लेकिन शाम को भोग जरूर लगाएं। एकादशी के दिन सुबह और शाम भगवान को भोग जरूर लगाया जाता है। शाम के समय तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी में केवल घी का दीपक अर्पित किया जाता है। फिर रात में जितनी देर हो सके जागरण करें और अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना होता है। इस बार क्योंकि सोमवार का दिन भी है तो हो सकता है आपने एकादशी के साथ साथ सोमवार का व्रत भी रखना हो, तो दोनों व्रत आप एक साथ रख सकते हैं। लेकिन आपको सोमवार का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, ना ही नमक का सेवन करना चाहिए। बहुत जरूरी हो अगर आप मीठा नहीं ले सकते हो तो आप फिर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। सुबह के समय फिर ऐसे में आप एकादशी व्रत की पूजा भी संपन्न करें और दूसरा व्रत जो भी आपका है उसका संकल्प लेते हुए आपको दूसरे व्रत की पूजा और व्रत कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर आपके दोनों व्रत एक साथ हो सकते हैं। अगले दिन आप मंगलवार के दिन फिर सुबह की एकादशी की पूजा करके अन्न ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा द्वादशी तिथि को ये ध्यान रखना है कि किसी न किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देने के बाद ही, जो दान की सामग्री है उसका दान करने के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। हर बार यदि ब्राह्मण देवता को दान देना संभव ना हो तो अपने आसपास कोई भी ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उन्हें आप दान की सामग्री दे सकते हैं। दान की सामग्री में आटा, दाल, हल्दी, नमक, आपको इनका दान जरूर करना चाहिए। या फिर एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना आप अन्न का दान करें। आप मौसमी सब्जियों का दान कर सकते हैं, इनके अलावा रुपयों का, वस्त्रों का दान कर सकते हैं या जरूरत में आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनका दान भी आप कर सकते हैं। यदि आप द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय दान ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आप खुद व्रत खोलने से पहले, व्रत आपको शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना है, मुहूर्त बीतने के बाद खोला गया व्रत भगवान श्रीहरि को स्वीकार नहीं होता है और उसका पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो जब अगर आपको समय ना मिल पाए तो आप दान में दी जाने वाली सामग्री को भगवान श्रीहरि के चरणों में रखकर क्षमा याचना कर लें और उससे पहले आप
आसपास यदि गौ माता मिल जाए तो गौ माता को अपने भोजन का एक हिस्सा जरूर खिलाएं, फल या मिठाई खिलाएं, मीठी रोटी खिला सकते हैं या आप कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। चींटियों के लिए आप आटा डाल सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकते हैं, मछलियों का चारा उन्हें खिला सकते हैं। इसके बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद आपको जब भी समय मिले तो आप सामग्री का दान कर सकते हैं। आप केवल दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। अगर व्रत के दिन किसी भी महिला को, कन्या को पीरियड्स हो जाए तो ऐसे में व्रत नहीं छोड़ा जाता है। व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन हो सके तो अपने परिवार के ही किसी सदस्य से आप पूजा करवा लें। खुद मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करके आप मोबाइल वगैरह पर व्रत की कथा सुन सकती हैं, लेकिन आपको कोई भी पूजन सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। यहाँ तक कि आपको द्वादशी तिथि के दिन भी जो पूजा करवानी है वो दूसरों से करवानी चाहिए। उसके बाद जब भी आप शुद्ध हो जाएं तो दान की सामग्री आप दान में दे सकती हैं। व्रत के नियमों का आपको पालन करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें भी इस एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग में तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। पीले फलों से, पीले फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में भगवान श्रीहरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता, उस घर में सदा धन में बरकत बनी रहती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृ दोष की शांति के लिए भी आज के दिन अपना जो व्रत है उसका पुण्य आप अपने पितरों को दान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका व्रत भी सफल हो जाता है और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो संतान सुख से वंचित हैं। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस दिन व्रत रखें। संभव ना हो व्रत रखना तो आप पूजा तो दोनों साथ मिलकर ही कर सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची इस दिन भगवान को अपने हाथ से अर्पित करें और भगवान श्री हरि के साथ साथ लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाकर उन्हें आज के दिन आप नई मुरली और नया मोरपंख अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको संतान सुख प्रदान करें। कहते हैं सच्चे मन से मांगी गई जो भी कामना है, जो प्रार्थना है, वो भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की झोलियां जरूर भरते हैं। आपको यदि व्रत कथा सुननी हो तो आप हमारे इस चैनल पर व्रत कथा भी सुन सकते हैं, जिसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आजकल आप हर दिन हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएँ भी सुन सकते हैं। शिव महापुराण की कथाएँ जो कि अध्यायों के रूप में हैं आपको पूरे सावन के महीने में हमारे चैनल पर मिल रही होंगी। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप आजकल अभी हाल ही में जो अध्याय सुनाई जा रहे हैं एक बार अगर उन्हें सुनेंगे तो आपको खुद ही पहला अध्याय से लेकर अब तक जितने भी अध्याय सुनाए गए हैं उन्हें सुनने का मन जरूर करेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।